हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल विच इज जिलियंस बायस एज यू एवरी वन नोज दैट जिलियंस बायस इज नथिंग बट द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल यूर इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स सो फ्रेंड्स इसके पहले आपने मेरे एक वीडियो में परचेज मैनेजमेंट प्रोसेस देखी थी किस तरह से आप परचेज डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकते हो परचेज मैनेजमेंट का रोल क्या होता है ये सारी चीज़ें मैंने आपको मेरे एक वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर की थी ठीक उसी तरह वेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस भी किस तरह से होती है वो आज आप मेरे इस वीडियो में देख पाएंगे मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आपको परचेज मैनेजमेंट समझ में आया थ्रू अवर प्लेटफॉर्म ठीक उसी तरह से वेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस भी आपको समझ में आएंगी सो so फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि ये वेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस किस तरह से की जाती है इसका फ्लो किस इस तरह से होता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है जिसमें हम देखेंगे कि द प्रोसेस दैट इम्पावर्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट रिड्यूसिंग पोटेंशियल टू विंडर्स इंश्योरिंग एक्सेलेंट सर्विस डिलीवरेबिलिटी एंड डराइविंग वैल्यू फ्रॉमस इन द लॉन्ग रन जिस तरह से मैंने परचेज मैनेजमेंट में आपको समझाया था कि किसी भी प्रोडक्शन में जो परचेज होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक सारी जो प्रोसेस होती है जो सारी एक्टिविटीज होती है उसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सारे लोग उसमें जुड़े हुए होते हैं और उसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है रॉ मटेरियल खरीदना यानी परचेजिंग करना ठीक है अगर हमारे स्टार्टिंग प्रोसेस ही अच्छी रही तभी जाके हमारा फाइनल प्रोडक्ट अच्छा रहता है जिसकी वजह से हम कस्टमर को फास्टेस्ट डिलीवरी देकर उनसे एक काफ़ी सेटिस्फेक्शन हम अर्न कर सकते हैं जिससे जिससे हमारी कंपनी को बेनिफिट होता है ठीक उसी तरह ये एक्टिविटीज कंप्लीट करने के लिए हमें वेंडर की जरूरत होती है सप्लायर की जरूरत होती है और उनका मैनेजमेंट करना ही उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि परचेज डिपार्टमेंट का होता है ठीक है तो वेंडर मैनेजमेंट हम किस तरह से करें क्योंकि काफी सारे वेंडर्स होते हैं जो कुछ क्वालिटी वेंडर्स होते हैं कुछ डिसक्वालिटी वेंडर्स होते हैं मेरे एक वीडियो में आपने वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस भी देखी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से वेंडर्स को सिलेक्ट कर सकते हो उनकी क्वालिटीज उनका पास परफॉर्मेंस रिकॉर्ड उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ठीक है उनका कस्टमर्स के साथ किस तरह से रिलेशन है वो उनके एम्प्लॉय के साथ किस तरह से रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं ये सारी चीजें मैंने आपको मेरे वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस में एक्सप्लेन की थी जिसका यूज़ आपको इस वेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस में अच्छे से हो सकता है सो so, ये जो वेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस है इसमें हमें अप्रोप्रिएट uh, मेजर करना पड़ता है कि किस तरह से आप अगर कोई वेंडर सिलेक्ट करते हो मान लो आपके पास टू थ्री टू टू थ्री अप्रूव वेंडर्स है ठीक है फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा वेंडर आपको कम रेट में हाई क्वालिटी का कम दाम कम टाइम में एक्यूरेट लोकेशन पे आपको मटेरियल या फिर आपके से वो सप्लाई कर रहा है ठीक है तो ये सारी चीजें आती है हमारे वेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस में जिसमें आपको ये फैक्टर भी चेक करना है कि पोटेंशियल रिस्क कम से कम हो ठीक है जो भी वेंडर आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके जरिए आपकी जो पोटेंशियल रिस्क है वो कम से कम हो और आपका जो भी वेंडर है वो आपको एक्सलेंट सर्विस डिलीवरी दे रहा है ठीक है साथ ही साथ उस वेंडर के साथ आपका जो रिलेशन है वो लॉन्ग रन के लिए हो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर वेंडर आपने सेलेक्ट किया उसके बाद उसने कुछ आइटम की डिलीवरी दी उसके बाद वो आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए इसीलिए ये जो वेंडर मैनेजमेंट की प्रोसेस है इसे भी आपको अच्छे से लर्न करना है ताकि आप इसका यूज आपके बिजनेस में इजीली कर सको और जो भी आपका वेंडर रहेगा ठीक है वो इतना मतलब ये आपके साथ इतना ज्यादा कांटेक्ट में होना चाहिए उसके साथ आपका रिलेशन इतने अच्छे होने चाहिए ताकि वो कितने भी रश रहे ठीक है काफी सारे डिमांडिंग कंडीशन में भी वो आपकी रिक्वायरमेंट इजिली फुलफिल कर सके बिफोर द टाइम वो फुलफिल कर सके सो so, ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं वेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस फ्लो किस तरह से आप वेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस फ्लो को एक्सप्लेन कर सकते हो इसके फोर पैरामीटर है फर्स्ट है सिगमेंटेशन देन कोलैबोरेशन फर्दर इज द इंप्लीमेंटेशन एंड लास्ट वन इज द इवेलुएशन सो इसको हम स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे ये जो वेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस फ्लो है इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिगमेंटेशन सिगमेंटेशन क्या होता है मान लो आपके पास चार वेंडर्स है थ्री टू तो फोर वेंडर्स है ठीक है फॉर एग्जांपल ए बी सी पर्टिकुलर वेंडर जो है फॉर एग्जाम्पल ए वेंडर अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए है वेंडर से तो ए ए वाला जो वेंडर है वो बोल रहा है कि उसको एडवांस मनी चाहिए ठीक है बट आप एडवांस मनी फुलफिल नहीं कर सकते हो ठीक है ये एक कंडीशन हो गई सिगमेंटेशन में अगर हम बी वेंडर के पास जाए तो वो एडवांस मनी तो नहीं ले रहा है लेकिन उसको लिड टाइम चाहिए पहला वाला जो वेंडर था हमारा ए उसको एडवांस मनी चाहिए थी और वो कम से कम टाइम में आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने वाला है बट आप एडवांस मनी नहीं दे सकते हमारा जो सेकंड वेंडर है भी उसका कहना है कि उसको एडवांस मनी तो नहीं चाहिए लेकिन उसके पास काफ़ी सारा लिट टाइम चाहिए वो हमें फास्टेस्ट डिलीवरी नहीं दे सकता ठीक है और हमारा जो थर्ड वेंडर है उसे एडवांस मनी भी नहीं चाहिए है और वो Uh, कम समय में हमें डिलीवरी भी दे रहा है बट वो हमें होम डिलीवरी या फिर हमारे लोकेशन पर डिलीवरी नहीं दे रहा है हमें ट्रांसपोर्टे ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाके हमारा प्रोडक्ट हमारे मटेरियल हमें रिसीव करना पड़ रहा है तो ये सारी चीज़ें आती है सिगमेंटेशन में तो इसके ज़रिए हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से कोलेबोरेट करनी होती है जो कि होती है हमारे स्टेप्स टू में ठीक है तो हमें चेक करना है कि हमारे पास जितने वेंडर्स अवेलेबल है कौन हमें कम से कम टाइम में विदाउट टेकिंग एडवांस मनी और हमें हमारे लोकेशन पे एक्यूरेट एड्रेस पे हमें डिलीवरी दे रहा है ये सारी चीजों का ये सारे वेंडर्स से हमें डिस्कशन करके हमें उनको कोलैबोरेट करना है और आफ्टर दैट हमें इन्हें इंप्लीमेंट करना है ये सारी चीज़ें ये सारे पैरामीटर्स जो वेंडर से रिलेटेड है कम टाइम में हमें डिलीवरी चाहिए है हमें हाई क्वालिटी का मटेरियल चाहिए है विद द चिपेस रेट ठीक है और ये सारी चीज़ें कोलाबोरेट करने के बाद सॉरी इंप्लीमेंट करने के कोलाबोरेट करके ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने के बाद जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें पर्टिकुलर वेंडर से ये, ये सारा रॉ मटेरियल चाहिए है बिफोर वि, वि, द एस्टिमेटेड टाइम ये सब होने के बाद हमें एट द एंड हमारी फोर्थ स्टेप आती है इवेल्यूएशन की हमें इवेलुएट करना है कि हमने जो ऑर्डर किया था वेंडर से रॉ मटेरियल वो हमें सही टाइम पे सही रेट में अच्छे क्वालिटी का और पर्टिकुलर लोकेशन पे जो लोकेशन हमने मेंटेन किया था जितने पीसेस हमने ऑर्डर किए थे वो सारे पीसेस सही से हमें मिले हैं या नहीं वो सारी चीजें हमने सही से रिसीव की है या नहीं ये सारी चीजें जो आती है वो आती है इवेलुएशन स्टेप में अगर इसमें से कोई भी एखादी क्वांटिटी कम है या फिर ज़्यादा है या फिर बिलिंग में कुछ प्रॉब्लम है अगर कोई भी मिसमैच और कंडीशन इसमें अगर हमें दिखती है इवेलुएशन में तो हमें तुरंत उसे सॉर्ट uh, आउट करना पड़ता है तो ये सारी चीज़ें आती है वेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस फ्लो में जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई अगर इसका एक और लुक देखें तो सबसे पहले हमें सिगमेंटेशन करना है वेंडर का कि कौन से वेंडर से हमें वो सारी चीज़ें मिल सकती है जो हमें चाहिए है फिर उसको हमें कोलेबोरेट करना है जैसे ही सारी चीज़ें हमारी कोलेबोरेट हो जाए उसके बाद हमें उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है हमें इवेलुएट करना पड़ता है कि जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन किया जो भी हमने हमारे रॉ मटेरियल की जो प्लानिंग की है वो सही से एग्जीक्यूट हुई है यानी ये सारी चीज़ें हमें इस वेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस फ्लो में चेक करनी पड़ती है उसके बाद हम देखेंगे वेंडर रेटिंग, प्र, वेंडर रेटिंग प्रोसेस। ठीक है, ये जो वेंडर की रेटिंग्स होती है ये किस तरह से होती है ठीक है मान लो फॉर uh, एग्जाम्पल अभी हर कोई ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता है ठीक है उसमें वो जो भी आपका डिलीवरी पार्टनर होता है वो आपको आपके डोर स्टेप पे फूड uh, की डिलीवरी करता है और हम उसके अकॉर्डिंग उसे रेटिंग करते हैं कि उसने कितने कम टाइम में आपको फूड डिलीवर किया आपको उसको बार बार कॉलिंग करनी पड़ी या नहीं उसका एटीट्यूड कैसा था ठीक है उसका आपके साथ कम्युनिकेशन करने का तरीका किस तरह से था ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करके उस डिलीवरी पार्टनर को या फिर उस डिलीवरी बॉय को रेट रेटिंग देते हैं सिमिलरली वेंडर की भी उसी तरह से रेटिंग होती है ठीक है इट इज प्रोसेस वेयर द सप्लायर आर प्रोवाइड्स अ स्टेटस और अ टाइटल बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स सच सचैस क्रेडिटेबिलिटी डिलीवरी टाइम प्राइस क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सप्लाइड एंड अ सेट ऑफ सच मिक्सड वेरिएबल तो हमारे जो भी वेंडर्स होते हैं उसकी रेटिंग भी हम ठीक इसी तरह डिलीवरी बॉय की तरह करते हैं ठीक है तो इसके लिए जो पैरामीटर्स है वो होते हैं क्वालिटी जिस वेंडर से हम जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो उसकी क्वालिटी अच्छी दे रहा है नहीं वो चिप क्वालिटी का दे रहा है या बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है बाद में हम देखेंगे उसका प्राइस क्या है उसका प्राइस रीजनेबल है अफोर्डेबल है या काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस का वो मटेरियल हमें प्रोवाइड कर रहा है उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी सर्विस कैसी है वो सर्विस फास्ट कर रहा है या नहीं ठीक है उसका हमारे साथ कम्युनिकेशन करने का तरीका कैसा है उसका पोलाइट बिहेवियर है या नहीं उसका एटीट्यूड किस तरह से है हमारे साथ हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ ठीक है साथ ही में हम देखेंगे लास्ट फैक्टर डिलीवरी तो वो जो डिलीवरी दे रहा है प्रोडक्ट की वो हमारे पर्टिकुलर लोकेशन पे दे रहा है यानी और सही समय पे दे रहा है यानी ठीक है मान लो रश है बहुत सारा और उस समय हमें डिलीवरी चाहिए है तो ऐसे समय में वो हमें अवॉइड कर रहा है या फिर हमें हैंडल कर रहा है हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है यानी ये सारी चीज़ें आती है डिलीवरी में जो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सारी क्वालिटीज होती है ठीक है डिलीवरी टाइम प्राइस क्वालिटी ये जो सारी क्वालिटीज होती है वेंडर्स की ये हमें अच्छे से चेक करनी है उसका उनके सरकम टंसेस में एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप कैसा है वो हमारे लिए इजीली अवेलेबल हो रहे हैं या नहीं ये सारी चीज़ें देखकर हम उस वेंडर को रेटिंग देते हैं जिसका यूज हमें आगे चल के होता है क्योंकि जब भी हमें किसी वेंडर की जरूरत पड़ती है तो हम उसके पोर्टफोलियो उसका जो प्रोफाइल होता है उस प्रोफाइल पे उसकी रेटिंग्स शो की रहती है आउट ऑफ फाइव ठीक है फाइव स्टार रहते हैं उसे हम चेक कर सकते हैं कि कौन से वेंडर को कितनी रेटिंग है अकॉर्डिंग टू दैट रेटिंग हम इजीली किसी भी वेंडर को हायर कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल्स तो ये हो गया वेंडर रेटिंग जो अभी आपने देखा अभी हम नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेंडर रेटिंग जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको समझाया कि अगर किसी वेंडर की रेटिंग्स हमें पहले से ही पता हो तो उसे हमें हायर करने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगती हमारा उतना ही टाइम सेव होता है ठीक है

जो ऑर्डर है वो नहीं दे सकते हो उसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि उसका बिहेवियर कैसा है उसकी रेटिंग्स क्या है वो हाई क्वालिटी का मटेरियल सप्लाई कर रहा है नहीं उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है उसका पास परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कैसा है उसका इंप्लॉइज के साथ कनेक्शन कैसा है ठीक है वो फास्टेस्ट डिलीवरी देता है या नहीं ठीक है उसके जो उसके पास जो प्रोडक्ट्स है उसकी प्राइस फिक्सिंग अच्छे से हुई है या नहीं ये सारी चीज़ें आपको उसके प्रोफाइल के जरिए उसके रेटिंग के जरिए समझ में आएंगी क्योंकि ये सारी जो रेटिंग्स है ये सारी क्वालिटीज उसे एक सिंगल रेटिंग में आपको मिल जाती है ठीक है तो ये हो गया इसका पहला एडवांटेज अभी हम नेक्स्ट देखेंगे तो इट हेल्प द बायर टू स्ट्राइक द राइट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड इसकी रेटिंग की वजह से जो भी बायर होता है

से वो वेंडर हमें हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी ई कॉमर्स कंपनी है जिसमें आप इलेक्ट्रिकल या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की आपको डिमांड है ठीक है जिसमें आपको एयर सर्किट एयर सर्किट ब्रेकर्स हो गए रिलेज हो गए टेस्टिंग किट्स हो गई ठीक है एमसीबी, एमसीसीबीज हो गए तो ये सारे जो पार्ट्स इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है ये सब आपको अगर किसी पर्टिकुलर वेंडर से चाहिए है तो वो उसे कैसे फुलफ़िल कर रहा है उसकी क्वालिटी कैसे दे रहा है उसका प्राइस कैसे फिक्स कर रहा है ठीक है उसको आप कितने टाइम में वो आपको प्रोवाइड कर रहा है ये सारी चीज़ें उस प्रोफाइल के जरिए आप समझ पाओगे और इसका एडवांटेज आपको वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस में इजीली हो जाएगा सो so, ये हो गया एडवांटेजेस ऑफ वेंडर रेटिंग अभी हम देखते देखेंगे कि वेंडर की रेटिंग टेक्निक्स क्या होती है ठीक है तो इसकी कुछ टेक्निक्स है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसकी कुछ मैक्सिमम uh, टेक्निक्स है फर्स्ट है कैटेगरी प्लान सेकेंड है वेटेड पॉइंट प्लान थर्ड है कॉस्ट रेशो मेथड नेक्स्ट है इवेस्टर्नस वेंडर सिलेक्शन फोर्थ डिसीजन मैट्रिक्स सर्विस कॉस्ट रेशो बेल क्वालिटी रेटिंग सिस्टम एंड लास्ट वन इज द आईबीएम क्वालिटी रेटिंग सिस्टम तो ये जो वेंडर की रेटिंग टेक्निक्स है ये धीरे धीरे ये हम हमारे आगे की स्लाइड्स में अच्छे से देखेंगे हम सबसे पहले देखेंगे कैटेगरी प्लान इसमें क्या होता है मैनेजर्स फ्रॉम वेरियस वर्टिकल मेक अ लिस्ट ऑफ़ फैक्टर्स दैट आर क्रुशियल फॉर अ वेंडर टू ऑन बेस्ड ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड वेंडर आर कंपेयर बेस्ड ऑन द सेम इस कैटेगरी प्लान में क्या होता है फ्रेंड्स तो इसमें जो भी हमारे मैनेजर्स होते हैं वो सबसे पहले जो उनके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑथराइज वेंडर्स होते हैं उन सब की क्वालिटीज़ अच्छे से चेक करते हैं कि उनके साथ उनका पर्सनल एक्सपीरियंस किस तरह से रहा है ठीक है बिफोर कैसे था मतलब प्रीवियस जिस वेंडर से उन्होंने ऑर्डर uh, किया है प्रीवियसली उनके साथ किस तरह से रिलेशनशिप था उनका एक्सपीरियंस क्या था और फ्यूचर में वो उन, उनके साथ किस तरह से अवेलेबल रहेंगे उनका किस तरह के साथ कांटेक्ट रहेगा ये सारे फैक्टर्स आते हैं इस कैटेगरी प्लान में ये ये हो गया पहली टेक्निक नेक्स्ट हम देखेंगे Cost Ratio Plan इसमें क्या होता है सप्लायर रेटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कॉस्ट इंकर्ड फ्रॉम प्रोक्योरिंग द मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर ठीक है इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स देखने पड़ते हैं जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया ए बी सी एग्जाम्पल लेके जिसमें आपको देखना पड़ता है कि कौन सा वेंडर आपको कम समय में दे रहा है कोई एडवांस पेमेंट मांगता है तो कोई नहीं मांगता किसी को लेट टाइम चाहिए होता है किसी को नहीं चाहिए होता है कोई आपके पर्टिकुलर लोकेशन पर डिलीवरी देता है तो कोई नहीं देता आपको खुद से जाके रिसीव करना पड़ता है तो ये सारी जो टेक्निक्स आती है ये आती है इस पॉइंट में द कॉस्ट रेशो आर अटन फॉर द डिफरेंट रेटिंग वेरिएबल सच वेरिएबल्स क्वालिटी प्राइस टाइमली डिलीवरी जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको अच्छे से समझाया द कॉस्ट रेशो इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इंडिविजुअल कॉस्ट एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द परचेज तो ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद आप इसका एक कॉस्ट रेशो निकाल सकते हो उसे क्या उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इंडिविजुअल कॉस्ट मतलब अलग अलग वेंडर से अलग अलग चीज़ें लेने से अच्छा है किसी पर्टिकुलर एक वेंडर अगर आपको सारी आपकी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो उस समय में आप एक कॉस्ट रेशो निकाल सकते हो फॉर एग्जांपल वेंडर ए और बी दो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है उसका आप एक कॉस्ट रेशो निकालो थर्ड वेंडर आपको जो दे रहा है आप उसका एक कॉस्ट रेशो निकालो एंड एट द एंड आप इन टोटल तीनों वेंडर का अगर कॉस्ट रेशो निकालते हो और जो आपको बेनिफिशियल रहता है उस वेंडर को आप हायर करते हो, so, ये हो ये गई हमारी टेक्निक। अगर हम थर्ड टेक्निक की बात करें तो इसमें हम देखेंगे वेस्टर्न वेंडर सिलेक्शन प्रीवियस परफॉर्मेंस ऑफ द वेंडर इज कंसिडर फॉर चूजिंग देम जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो हमारा परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है परचेजिंग परचेज इंजीनियर्स या फिर जो भी मैनेजमेंट होती है हमारी वो सबसे पहले देखेंगे कि उनके पास जो अप्रूड वेंडर है उनका पास परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कैसे है ठीक है उन्होंने किस तरह से हमारी डिमांड फुलफिल की है किस तरह से हमें स्टॉक प्रोवाइड किया है किस तरह से मटेरियल हमें कम टाइम में चीप रेट में हाई क्वालिटी का मटेरियल हमें प्रोवाइड किया है ये सारा जो उसका पास परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है ये अच्छे से चेक करके ही वेंडर को हायर करेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्स डिसीजन मैट्रिक्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ रेडिंग लाइक क्वालिटी सर्विस प्राइस रिलायबिलिटी ऑफ द वेंडर लीड टाइम ऑफ सप्लाई आर आइडेंटिफाइड फर्स्ट ये जो पैरामीटर्स होते हैं वेंडर के जैसे कि वो किस क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है उसको सर्विस कैसे दे रहा है प्रोडक्ट्स किस टाइप के उसके पास अवेलेबल है उसकी प्राइस वो कैसे फिक्स कर रहा है प्राइस या फिर वो वेंडर किस तरह का है गुड uh, वेंडर है एवरेज लेवल का है या फिर बैड लेवल का है ठीक है उसके पास प्रोडक्ट किस लेवल के है उसकी रिलायबिलिटी कैसी है वो कितना लीड टाइम ले रहा है हमें uh, मटेरियल प्रोवाइड करने में ठीक है ये जो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वेंडर्स के इसी के बेसिस पे उसकी रेटिंग्स फिक्स होती है ठीक है इसी को करते हैं फोर्थ डिसीजन मैट्रिक्स देन दिस फैक्टर्स आर कंपेयर्ड बिटवीन देम सेल्व इफ समथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट इट विल बी असाइन विद द वेट ऑफ वन एंड द अदर विल बी जीरो फॉर इवेल्युएशन मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप के पास तीन वेंडर है तो आप तीनों वेंडर की क्वालिटीज़ उसके पैरामीटर्स अच्छे से चेक करोगे जैसे कि ए बी सी ये तीन वेंडर है आप पहले ए की सारे पैरामीटर्स चेक करो जैसे कि क्वालिटी है उसका पास परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसका एम्प्लॉयज uh, के साथ किस तरह से बिहेवियर uh, है ठीक है पहले आप वेंडर ए का निकालो फिर वेंडर बी का निकालो फिर वेंडर सी का निकालो तीनों के पैरामीटर्स के आप अच्छे से कैलकुलेशंस करने के बाद आपको समझ में आएगा कि किसका वेट सबसे ज्यादा है जिसका वेट सबसे ज्यादा है आप उसे हायर करोगे जिसका वेट नहीं है जीरो है वो उसी समय इवेल्यूशन में कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो ये हो गई वेंडर रेटिंग की तीसरी टेक, तीसरी टेक्निक चौथी टेक्निक्स अभी हम नेक्स्ट नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं सर्विस कॉस्ट रेशो सब्जेक्टिवली मेजरिंग अदर इंटेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ अ सप्लायर सर्विसेज इसमें इंटेंजिबल एस्पेक्ट अगर देखोगे तो इंटेंजिबल मतलब जिसे आप टच नहीं कर सकते ठीक है तो इंटेंजिबल में वही आता है जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि आप जो वेंडर सिलेक्ट कर रहे हो उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसा है वो आपको देखना है ठीक है और साथ ही साथ उसका परफॉर्मेंस कैसा है उनके उनके के के साथ के साथ साथ उसके कस्टमर्स वो किस तरह से रिलेशन मेंटेन करता है उनके साथ उसका उसका बिहेवियर कैसा है तो ये सारी चीजें आती है इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ सप्लायर सर्विस एस्पेक्ट्स टू कंसिडर कुड बी लेबर स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन फॉर रन ऑर्डर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो ये जो चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की कि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है मतलब जब उसके पास काफ़ी सारे डिमांड्स है प्रोडक्ट के काफ़ी सारे रश में भी वो हमें अटेंड कर रहा है कि नहीं ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है वेंडर रेटिंग में तो ये हो सारी हो गई वेंडर रेटिंग टेक्निक्स सो फ्रेंड्स मैम उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको परचेज मैनेजमेंट समझाया ठीक उसी तरह से मैंने आप अभी आपके साथ वेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस भी एक्सप्लेन की जिसमें वेंडर सिलेक्शन की टेक्निक्स कैसे होती है उनकी रेटिंग्स किस तरह से हम फिक्स कर सकते हैं रेटिंग्स फिक्स करने की टेक्निक्स क्या है और उसके एडवांटेजेस बायस uh, को किस तरह से होते हैं ये सारी चीज़ें मैंने अभी मेरे इस वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश की सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा सो फ्रेंड्स मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगी तब तक के Thank you and have a good day.